आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्राउन कोल्ड डिजीज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, वेरी इंटरेस्टिंग डिजीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया। आज की वीडियो के हाइलाइट्स होंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम की कौन कौन सी स्पीसीज है और उनके सिम्टम क्या हैं। इंट्रोडक्शन एंड बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे एंड व्हाट इज़ टीआई प्लाज्मिड और रीजन फॉर कॉजिंग क्राउन कोल्ड डिजीज। टीआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड फोर्थ वन इज जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू प्लांट सेल एंड इट्स इंटीग्रेशन इन प्लांट न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ क्राउन कोल्ड ऑफ एप्पल and management of crown gall of apple. The first important species of agrobacterium जो कि natural genetic engineer bacteria है, agrobacterium tumefaciens, जिसको बायोवार वन भी कहा जाता है, ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। मेनली जो वुडी प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्टोन फ्रूट्स हैं, पोम फ्रूट्स हैं एटसेट्रा, इसके अंदर टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है जिसकी वजह से क्राउन कोल्ड डिजीज कॉज होती है। इसमें जो क्राउन वर्ड है, क्राउन का मतलब क्या होता है, क्राउन का मतलब होता है कि जो प्लांट है, ये प्लांट का सॉइल सरफेस है, दिस इज़ द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के ऊपर का जो एरिया होता है प्लांट, इस रीजन इज नोन एज क्राउन। तो क्राउन में ये गॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, गॉल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ द गॉल, इसलिए इसे क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट टिश्यू की ओवरग्रोथ हो जाती है। द सेकंड इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज एग्रोबैक्टीरियम रेजोजींस, जिसे बायोवार टू भी कहा जाता है। ये हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है। इस बैक्टीरिया के अंदर आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी जो रूट होती है प्लांट्स की, वो हेयरी हो जाती है, यानी कि लाइक दिस वन। पर रूट क्या हो गई, हेयरी टाइप की हो गई है, हेयरी रूट डिजीज। द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज रेडियोबैक्टर, इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं होता और ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता। इन जनरल एग्रोबैक्टीरियम की थ्री स्पीसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, सेकेंड इज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस एंड एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। नाउ वी विल स्टडी एग्रोबैक्टीरियम इंट्रोडक्शन एंड बायोलॉजी। एग्रोबैक्टीरियम है क्या, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड सॉइल पैथोजन। सॉइल पैथोजन का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट रहता है। एंड व्हाट इज पैथोजन, एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इज नोन एज पैथोजन। दिस एग्रोबैक्टीरियम बिलोंग्स टू क्लास अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड द फैमिली रेजोबिएसी एंड डिस्कवर्ड बाय स्मिथ एंड टाउनसेंड इन 1907। दिस इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया। इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, ये अभी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है अपने प्लाज्मिड का TDNA यानी कि कुछ पोर्शन DNA अपने सेल से प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देता है, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया। इसके होस्ट कौन कौन से हैं, होस्ट मीन ये किन किन प्लांट को इन्फेक्ट करता है और डिजीज कॉज करता है। एटलीस्ट 93 फैमिलीज ऑफ प्लांट्स जो कि डाइकॉट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉलनट्स, ग्रेप वाइंस, स्टोन फ्रूट्स, नट ट्रीज एटसेट्रा। एंड दिस एग्रोबैक्टीरियम इज बेसिकली फॉर्म रॉड्स, यानी कि इसकी शेप कैसी होती है, ये रॉड शेप का होता है। एंड दिस बैक्टीरिया कंटेन सरकमथिकल फ्लैजिलेशन। सरकमथिकल फ्लैजिलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है तो इसके एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, लाइक दिस वन। तो दिस कंडीशन इज नोन एज सरकमथिकल फ्लैजिलेशन या फिर पेरिट्राइकस फ्लैजुला। दिस बैक्टीरियम इज कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग इट्स DNA इन प्लांट जीनोम, यानी कि इसके अंदर इतनी ताकत होती है इस बैक्टीरिया में कि अपने DNA को प्लांट के न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम होता है उसके DNA के साथ वहाँ जाके ये उसमें
इंक्लूड हो जाता है, इंटीग्रेट मतलब उसमें मिल जाता है वहाँ जाके और अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हम स्टडी करते हैं रीजन फॉर कॉजिंग क्राउन गॉल डिजीज। अभी हमने देखा क्राउन गॉल डिजीज के सिम्टम क्या थे। ये प्लांट के क्राउन रीजन में गॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एग्रोबैक्टीरियम। एक्चुअल में ऐसा बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि प्लांट में गॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि कहते हैं गॉल में गांठ या ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका रीजन है टीआई प्लाज्मिड। इस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर मतलब गांठ लाइक स्ट्रक्चर, इंड्यूसिंग मीन उत्पन्न करने वाला। अब प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम का सेल है। यहाँ पर ये फ्लैजिला दिख रहे हैं, यहाँ पर जो कि पेरिट्राइकस हैं, सर्कमथिकल हैं। इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पड़ा रहता है। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज प्लाज्मिड। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज प्लाज्मिड। हम देखते हैं कि जो प्लाज्मिड है, ठीक है ना, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का लार्ज स्ट्रक्चर, दिस इज़ द टी आई प्लाज्मिड, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। एंड जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है उसको हम बोलते हैं टी डीएनए रीजन। टी मतलब ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन प्लांट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस टी डीएनए रीजन में लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। इसमें ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए जीन है, साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करने के लिए जीन है, एंड ओपाइन को प्रोड्यूस करने के लिए जीन है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की ग्रोथ हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ओपाइन का जब प्रोडक्शन होता है, ये एक कंपाउंड्स हैं जो कि अभी हम स्टडी करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। इस टी आई प्लाज्मिड में सबसे टी डी एन ए के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन इज विरुलेंस रीजन। विरुलेंस रीजन में इसे डिफरेंट टाइप के विरुलेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ओपाइन कैटाबोलिज्म के लिए जीन है। यहाँ पर इस दैट एरिया इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ टी आई प्लाज्मिड। अब हम इस विरुलेंस रीजन में देखते हैं कि कौन कौन से जीन होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टी आई प्लाज्मिड। टी डी एन ए रीजन अभी हमने स्टडी कर लिया है ना, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑक्सीजन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस, ओपाइन सिंथेसिस। ये जीन होते हैं, अपना अपना ऑक्सीजन को सिंथेसिस करते हैं, साइटोकाइनिन सिंथेसिस करेंगे, ये ओपाइन सिंथेसिस करेगा। ओके, उसके बाद जो विर रीजन है, दैट इज़ द विर रीजन। दिस इज़ द विर रीजन। विर रीजन में विर ए, दिस इज़ द विर ए, यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज़ द विर एच। विर एच, विर एच मीन्स विरुलेंस जीन, द नेम इज एच। ए बी जी सी डी ई एफ जी, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जीन होते हैं ए से लेकर एस तक। इन दिस इज द ओपेरॉन। इन ओपेरॉन के अंदर बहुत सारे जीन के क्लस्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो विरे जीन है, ये वुंड सिग्नल को रिसेप्टर होता है, यानी कि वुंड सिग्नल को आइडेंटिफाई करता है। हर जीन के अपने अपने फंक्शन होते हैं। विर बी मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाता है। विर जी विर एक्टिवेटर होता है, बाकी सारे जीन को एक्टिवेट करता है। इस तरीके से विर सी के अपने अलग फंक्शन है, विर डी के अपना अलग फंक्शन है। विर डी क्या करता है? बॉर्डर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम है बॉर्डर को काट देना, यानी कि कट करना, ठीक है ना। उसके बाद विर ई जीन, विर ई जीन ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है। विर एफ, विर एच, इस तरीके से सबके हर जीन के अपने अलग अलग फंक्शन है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।
एक्सप्लेनेशन ऑफ जीन ट्रांसफ़र यानी कि tDNA ट्रांसफर DNA फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू प्लांट सेल एंड इट्स इंटीग्रेशन. दिस इज़ द एग्रोबैक्टीरियम सेल, दिस इज़ द प्लांट स्टेम. अभी हमने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर TIE प्लाज्मिड होता है. TIE प्लाज्मिड का ये जो ब्लू पोर्शन है दैट इज़ ट्रांसफर DNA. ये ट्रांसफर DNA बैक्टीरिया से एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से प्लांट सेल के अंदर कैसे जाता है और कैसे उसके न्यूक्लियस के जीनोम में इंटीग्रेट होता है यानी कि मिल जाता है. ओके, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज वुंडेड प्लांट. ये बैक्टीरिया प्लांट में तब तक इंटर नहीं कर सकता जब तक इसमें वुंड ना हो. वुंड का मतलब होता है वुंड, ओके ना, वुंड. वुंड का मतलब होता है कोई घाव या कोई इंजरी. वुंड किसी भी तरीके से भी हो सकता है. वुंड एग्रीकल्चरल बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिससे पेड़ों में कट लग जाता है, कोई इंसेक्ट की इंजरी हो सकती है, एनी वन. ओके, बिना वुंड के, दिस इज़ द वुंड, बिना वुंड के ये बैक्टीरिया अपने tDNA को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. ना इन्फेक्शन प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है. ये एग्रोबैक्टीरियम का TIE प्लाज्मिड है, इसमें से जो tDNA है, जो रेड पोर्शन है दैट इज tDNA यानी कि ट्रांसफर DNA, इसने राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर से कट होके साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू प्लांट सेल में इंटर करना है और इंटर करके प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जीनोम के साथ इंटीग्रेट होना है यानी कि मिलना है. तो ये प्रोसेस कैसे होता है. दिस इज एग्रोबैक्टीरियम सेल, दिस इज प्लांट सेल. जब भी किसी प्लांट में कट और इंजरी होती है तो कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं जो कि नेचर में फिनोलिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसिटोसिरिंजोन एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन. जब भी ये फिनोलिक्स सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं तो विर ए प्रोटीन मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है जो कि फिनोलिक्स को रिकॉग्नाइज करता है. सुगर मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं प्लांट्स के कट होने के बाद, इंजरी होने के बाद सुगर्स भी निकल सकते हैं. तो क्रोमोजोमल विरुलेंस प्रोटीन आइडेंटिफाइड द सुगर मॉलिक्यूल एंड ये जो क्रोमोजोमल विरुलेंस प्रोटीन है ये प्लांट सेल के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करता है और वीर ए की भी हेल्प करता है इन फिनोलिक्स को आइडेंटिफाई करने में और इस तरीके से वीर ए एक्टिवेट हो जाता है. वीर ए प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, वीर ए प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद वीर जी को एक्टिवेट करता है और वीर जी के एक्टिवेशन से विरुलेंस रीजन के सारे जीन एक्टिवेट हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले विर डी टू प्रोटीन निकलता है जिसके पास एंडोन्यूक्लिज एंजाइम होता है जो कि ट्रांसफर DNA को राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देता है. इसी दौरान सिंगल स्टैंडर्ड tDNA बनता है और ये tDNA की जब कटिंग हो जाती है तो ये tDNA के साथ ये विर डी टू प्रोटीन है ये भी इसके साथ अटैच रहता है और विर ई टू प्रोटीन भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं. तो हम इसको बोलते हैं टी स्ट्रैंड कॉम्प्लेक्स. ये पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू प्लांट के साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है. विर बी जो प्रोटीन है ये ट्रांसपोर्ट चैनल बनाने में हेल्प करता है. विर डी फोर भी इसकी हेल्प करता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लांट सेल में, ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि tDNA कॉम्प्लेक्स प्लांट के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाता है. ये हमारा विर डी टू प्रोटीन है, ये हमारे विर ई टू प्रोटीन है, ये हमारे विर ई टू प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियर पोर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू दिस स्ट्रक्चर इज़ ट्रांसफर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल और ये इसके क्रोमोजोम के साथ अटैच हो जाता है. इसको इंटीग्रेट होने में, डी ट्रांसफ़र को जीनोम के साथ इंटीग्रेट होने में विर ई टू हेल्प करता है वाइल विर डी टू हेल्प्स टू नेविगेट द DNA टू द न्यूक्लियस. इसके बाद जब tDNA
प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है इसके न्यूक्लियस में, तो व्हाट हैपन्स, क्योंकि हमें पता है कि टी डीएनए में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस के जीन है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ज़्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं प्लांट सेल में। ये ग्रोथ हार्मोन है जिससे प्लांट सेल की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है और बहुत सारे अमाउंट में प्लांट के टिश्यू बढ़ जाते हैं जो कि क्राउन गॉल सिम्टम कॉज करते हैं। और जो ओपाइन होते हैं वो बैक्टीरिया उसको फूड की तरह यूज करता है एज ए कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स। दैट्स वाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ क्राउन गॉल ऑफ एप्पल। क्राउन गॉल ऑफ एप्पल डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। आज हम स्टडी करते हैं डिजीज साइकिल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये डायग्राम जी एन एग्रियस बुक से लिया गया है, प्लांट पैथोलॉजी बुक से। दिस इज एप्पल प्लांट इन्फेक्टेड विथ गॉल। यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम के गॉल बने हुए हैं, क्राउन गॉल हैं। क्राउन गॉल बैक्टीरिया ओवर विंटर इन सॉइल। ये बैक्टीरिया सॉइल पैथोजन है यानी कि सॉइल में प्रेजेंट रहता है। ये बैक्टीरिया है जिसमें ये फ्लैजिला हैं इसके। ये बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोजोम मटेरियल हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। इस प्लाज्मिड में, ये इसका प्लाज्मिड है जिसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है यानी कि गांठ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद जो ये प्लांट की स्टेम है, प्लांट में बैक्टीरिया तभी इंटर करेगा जब इसमें कोई वुंड होगा। इस प्लांट में वुंड और इंजरी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी वजह से हो सकती है। बैक्टीरियम बिकम्स अटैच टू वुंडेड प्लांट सेल। जब कोई प्लांट सेल में वुंड होता है तो एग्रोबैक्टीरियम का बैक्टीरिया इससे अटैच हो जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर डीएनए होता है वो ट्रांसफर डीएनए यहाँ से ट्रांसफर होके प्लांट जीनोम के साथ अटैच हो जाता है यानी कि इंटीग्रेट हो जाता है। टी डीएनए लीव्स बैक्टीरियम एंड एंटर्स वुंडेड प्लांट सेल, यानी कि टी डीएनए का पोर्शन, बाकी टीआई का प्लाज्मिड बाहर ही रहता है और टी डीएनए निकल के प्लांट के जीनोम के साथ यानी कि जीनोम के साथ अटैच हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, टी डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट क्रोमोजोम्स, प्लांट सेल इज ट्रांसफॉर्म। अब प्लांट सेल ट्रांसफॉर्म्ड कैसे हो जाती है, जब ट्रांसफर डीएनए प्लांट जीनोम के साथ अटैच हो जाता है तो ट्रांसफर डीएनए में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस के जीन होते हैं। ये जीन अपना काम करने लगते हैं, बहुत सारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनता है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसकी वजह से प्लांट में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया होने लगता है। हाइपरट्रॉफी मीन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, हाइपरप्लेजिया मीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया प्लांट की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और एक ऐसे उभार सा आने लगता है। धीरे धीरे ये बड़ा होता है और ये गॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज द गॉल विद सेवरल न्यू सेंटर्स ऑफ एक्टिविटी। इस तरीके से प्लांट में गॉल बन जाते हैं, दीज आर द गॉल, गॉल्स ऑन स्टेम एंड रूट ऑफ हैवीली इन्फेक्टेड प्लांट। फिर ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट रहता है और ओवर विंटरिंग करता है यानी कि सर्वाइव करता है और इस तरीके से एप्पल की प्लांट को ये इन्फेक्ट करता रहता है। तो इसके इन्फेक्शन के लिए इंजरी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ क्राउन गॉल ऑफ एप्पल। मैनेजमेंट ऑफ क्राउन गॉल ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल में क्राउन गॉल के डिजीज का मैनेजमेंट कैसे होता है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्लांटिंग स्टॉक, इट शुड बी हेल्दी। अगर हेल्दी होगा तो बैक्टीरिया के ट्रांसफ़र का चांस कम होता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फील्ड,
दैट हैव ग्रोन सीरियल क्रॉप्स, उस साइट का सिलेक्शन करना है जिसमें पहले सीरियल क्रॉप्स उगाए गए हैं, क्योंकि सीरियल क्रॉप्स में एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन नहीं होता है। और ऐसी साइट होनी चाहिए एप्पल को ग्रो करने के लिए जिसमें वो वीड ना हो जो इस एग्रोबैक्टीरियम जिस वीड को इन्फेक्ट करता है। द थर्ड इज क्रॉप रोटेशन, अगर फील्ड में एग्रोबैक्टीरियम है तो सीरियल क्रॉप लगाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए जिससे, और ग्रीन मैन्यूरिंग करना चाहिए जिससे कि एग्रोबैक्टीरियम को होस्ट ना मिले। द फोर्थ इज केमिकल इरेडिकेंट्स, कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक कॉपर बेस्ड, सोडियम हाइपोक्लोराइट एट्सेट्रा जो कि यूज करे जाते हैं, बट सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स आर इन इफेक्टिव अगेंस्ट सिस्टमेटिकली इन्फेक्टेड प्लांट्स। इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है बाई एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर जो कि एग्रोबैक्टीरियम की ओविरुलेंट स्ट्रेन है, इसका स्प्रे करा जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को कंट्रोल करने के लिए।